हेलो फ्रेंड्स, इंडियन मास्टर टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज फिर से नया अपडेट आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लैपटॉप और जो कंप्यूटर आपके पास है, उनमें जो विंडो 10, विंडो 8.1 या विंडो 7 अगर इंस्टॉल है, तो जल्दी ही उन सबको सपोर्ट करने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने सपोर्ट को बंद कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ दिखा रहा है लैपटॉप पर कि एंड ऑफ सपोर्ट फॉर विंडो 10, विंडो 8.1 एंड विंडो 7। तो ये लेटेस्ट अपडेट है फ्रेंड्स जो माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है। तो उन्होंने बताया कि कब कब ये एंड कर रहे हैं, तो उसके लिए डेट दिए। यहाँ देख सकते हो आप, जो विंडो 10 है उसको ये ओनली जो अक्टूबर 2025 है तब तक ही सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ अब ये सपोर्ट फॉर विंडोज 10 विल एंड इन अक्टूबर 2025। तो इसके बाद में जो 14 अक्टूबर 2025 है, इसके बाद में विंडो 10 को ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो किसी भी प्रकार का विंडो का अपडेट वगैरह ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप नया लैपटॉप या नया पीसी लेने की सोच रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जो लेटेस्ट हो वो ही लें। मार्केट में कई शॉपकीपर या कई दुकानदार जो हैं वो इस तरह के हैं कि आपको पुराना लैपटॉप या पुराना सीपीयू दे देंगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि वो विंडो को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो एंटीवायरस है, जो मालवेयर अपडेट्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। यहाँ लिखा हुआ अभी इन्होंने बताया है कि जो 14 अक्टूबर 2025 है उसके बाद में विंडो 10 सपोर्ट नहीं करेंगे, केवल ये विंडो 11 को ही आपको अपडेट वगैरह देंगे। तो विंडो 10 के जो अपडेट वगैरह है वो सारे बंद हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो विंडो 11 है उसके बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। तो विंडो 11 में अलग अलग फीचर्स वगैरह मिलेंगे और इस तरह की विंडो 11 दिखेगी, ठीक है। और साथ में कंपेयर ही बताया कि जो विंडो 10 एंड विंडो 11 है उसमें क्या क्या फीचर्स में कंपेयर है। तो विंडो 10 आपको पता है कि अभी तक टच स्क्रीन में सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन विंडो 11 जो है वो टच स्क्रीन में सपोर्ट करती है। हाल ही में मैंने एक लैपटॉप लिया था डेल का, जो 2-in-1 था, उसे हम टच भी यूज़ कर सकते हैं और कीबोर्ड के द्वारा भी चला सकते हैं। तो सेम उसमें ऐसी ही स्क्रीन थी फ्रेंड्स जैसी यहाँ लैपटॉप में दिखाई दे रही है, वो फुल्ली टच सपोर्ट था वो, ठीक है। और उसका जो वीडियो है वो भी मैंने बनाया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको उस जो लैपटॉप था उसके अनबॉक्सिंग का वीडियो मिल जाएगा, साथ ही उसका जो सेटअप है उसका भी वीडियो मिल जाएगा। आप दोनों वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं और क्या क्या अपडेट आए हैं इसके अलावा। तो इन्होंने हाउ टू शॉप फॉर ए लैपटॉप, तो लैपटॉप को किस तरह ख़रीदना है ये बताया इन्होंने, ठीक है। तो जब भी आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं से भी खरीदें या मार्केट से ऑफलाइन ख़रीदें, तो ये ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि अब आपको विंडो 10 वाला पीसी या लैपटॉप नहीं लेना है, आपको विंडो 11 सपोर्ट वाला ही लैपटॉप लेना है, ठीक है। आगे देख सकते हो आप, तो जो इसमें एस पेन जो होता है हमारा वो भी साथ में दिया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो टच स्क्रीन का लैपटॉप है उसमें इस तरह का पेन आता है, और मैंने ये बताया भी था कि इस पेन को सेटअप हम कैसे करते हैं, ठीक है। उसी वीडियो में मैंने बता रखा है कि इस तरह का जो लैपटॉप है उसको सेटअप किस तरह करना है। तो पूरा फोल्डेबल है वो, जिस तरह ये दिख रहे हैं आपको यहाँ पर अलग अलग लैपटॉप, तो इसी तरह से वो लैपटॉप था सेम, ठीक है, डेल कंपनी का था फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं, अगर आपकी विंडो 10 है तो विंडो 10 के लिए भी इन्होंने बताया है कि विंडो 10 का आप बैकअप वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन है फ्रिक्वेंसली, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स और क्या कह दिया हुआ है। विंडो 10 के लिए आ गया, विंडो 8.1 है, ठीक है। तो विंडो 8.1 के लिए भी इन्होंने आपको बताया कि विंडो 8.1 को जो है अब इन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर भी विंडो 11 के बारे में बताया गया है, तो विंडो 11 के फीचर्स वगैरह इसमें दिए हुए हैं। और आगे देख लेते हैं विंडो 7, तो विंडो 7 जो है वो लिखा हुआ अभी है सपोर्ट फॉर विंडो 7 हैज़ एंडेड, तो ये भी बंद हो चुका है, और कब से हो चुका है ये बता रखा है इन्होंने, 14 जनवरी 2020 से इन्होंने ये बंद कर दिया है, ठीक है। तो 10 साल बाद ये बंद किया था इन्होंने विंडो 10 को। तो यहाँ देख सकते हो आप विंडो 11 के लिए भी इन्होंने बताया है, ठीक है। तो बैकअप वगैरह लेने के लिए वन ड्राइव का यूज करें, ये सब कुछ इन्होंने बताया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरह के जो अपडेट आगे वो मैं आपको देता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।